अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे नेल मेहंदी। वैसे भी नेल मेहंदी की मैंने बहुत सारी वीडियो आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर रखी है, लेकिन आप हमेशा उसमें मतलब सारी चीज़ें कहते हो कि हमारी नेल मेहंदी बनती नहीं है, जल जाती है। तो छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और प्रॉपर मैं आपके सामने बनाकर बताऊंगी। वैसे मैंने उस टाइम पे ही बनाकर ही बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर भी किया था। अब तो मैं डायरेक्टली आपके सामने बनाऊंगी और बताऊंगी आपको कि नहीं जलता है बिल्कुल, आप सही तरीके से बनाओगे ना तो नहीं जलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शक्कर लेंगे, शक्कर लेना है हमने। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने बनाना है सिर्फ, अब देख सकते हो मेरे दोनों हाथ की मेहंदी, नेल मेहंदी निकल चुकी है ना, पूरे हाथ जैसे ये हो गए हैं। तो चाहे तो मैं मार्केट से भी ला सकती हूँ, कौन ला कर लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा होता है ना कि मैं अपने हाथ से बनाऊँ और लगाऊँ, क्यों नहीं बना सकते। जब हम बना सकते हैं तो अपने ही हाथों से बनाकर लगाओ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स तीन ही हैं, मेजरमेंट सही रखोगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेंगी, एकदम सही तरीके से बनेंगी। जैसे केक होता है ना फ्रेंड्स, मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं होते। अगर बिस्किट वाला केक बनाते हैं हम, बिस्किट वाला जो होता है, तो इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं होते उसमें, सिर्फ बिस्किट क्या यार, मतलब बिस्किट और जैसे मिल्क ऐड करना है, अगर आपको मीठा चाहिए तो शक्कर ऐड करना है, और इनो डाल के ऐसे मिक्स करके हमने केक को बेक करना है, कढ़ाई वगैरह जो भी होती है उसमें। लेकिन अगर उसमें मेजरमेंट सही नहीं हो तो केक हमारा बिगड़ जाता है। वैसे ही इसी में है, तो परफेक्ट टाइम का पता भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने पका दिया, सच में पका दिया, तो पका ही रहे हम रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले शक्कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो मैं कितनी ले रही हूँ। तो मैं मतलब हम बना रहे हैं दोनों हाथों के हिसाब से हो जाए, पैरों में हो जाए, बस इतना बच ही जाती है हमेशा। तो एक चम्मच शक्कर लिया है मैंने, फिर उसके बाद में हम फिर से एक चम्मच डालेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनानी हमने। तो देख सकते हैं दो चम्मच, इस चम्मच के हिसाब से, इस चमचे के हिसाब से, जो खाने वाला चम्मच होता है हम खाना खाते हैं जिससे, तो उस हिसाब से खाना तो हम हाथ से ही खाते हैं। तो दो चम्मच मैंने शक्कर लिया है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है इसमें आराम से हाथ पैर लग जाएंगे और फिर भी बच जाएगा, और एक ही टाइम लगाओगे ना तो बहुत अच्छा कलर आता है। जिन जिन लोगों ने ट्राई किया है ना फ्रेंड्स, फीडबैक दिया है अपना कमेंट में जाकर देखिए, आप सही तरीके से बनाओगे ना सच में बहुत अच्छी बन जाती है, बिल्कुल नहीं जलती है। तो यहाँ पर हम लेंगे, देखो यहाँ पर ही डिब्बे में है चाय की पत्ती, लेकिन इसमें से मैंने नहीं लेना है क्योंकि इसमें हमने ना मसाला चाय मिक्स करके रखी है, तो दोनों मिक्स ही करके रखी है, तो फिर मसाला चाय नहीं लेनी, सिंपल चाय पत्ती। तो मैं आपको इसमें से अच्छा पैकेट जो रखा हुआ है उसमें से चाय पत्ती लेंगे हम और बताऊंगी। देख सकते हो यहाँ पर ले रहे हैं हम ये वाली चाय पत्ती, हम जो यूज़ करते हैं सोसाइटी की वही ले रहे हैं। तो का है स्पून इसमें, स्पून लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हम ना इसमें मतलब दोनों हाथ पैर लग जाएंगे हमारे। अगर आपको दो लोगों को बनाना है तो क्वांटिटी बढ़ा देना, तीन तीन चम्मच लेना, क्योंकि आगे पीछे होती है थोड़ी ज़्यादा हो ही जाती है ना। अजान हो रही है, फिर से मिलते हैं हम। यहाँ पर अभी चाय पत्ती लेंगे, देख सकते हो इसी में से लेना है मैंने, इसी में से लूँगी क्योंकि उसमें मसाला टी डाल के रखी हुई थी ना, हाय गिर गई, मिक्स ही करना है, कोई बात नहीं। दो चम्मच, ठीक है। अगर आपको और डार्क चाहिए तो हम आधा चम्मच और लेंगे इसमें चाय पत्ती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ढाई चम्मच, देख सकते हो 2.5 टेबल स्पून मैंने टी पाउडर लिया है, पाउडर ही समझ गए। तो ये दो चीज़ हो गए, चाय की ही चीज़ है जाहिर सी बात है, चाय ही बनाना है हमने, चाय नहीं बनाना है हमने। तो यहाँ पर ये लिया है मैंने गुड़। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी एक टाइम, तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो उसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते ये है गुड़, तो मैंने उसमें बताया था ना, तो उसमें ना गुड़ फ्रेंड्स मेल्ट हो गया था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो देख सकते ये है गुड़ जो होता है, देख सकते हो गुड़ है ना, खाने वाला जो गुड़ होता है ना, बहुत सारे देसी चीज़ों में, देसी मीठा बनाते हैं हम तो उसमें यूज़ होता है,
तो ये वो वाला गुड़ है। तो चलिए इसको कट करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ती हूँ, फिर लेंगे हम कितना लेंगे मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हो करीब से, देखिए। अच्छा काला गुड़ आता है, आप वो भी ले सकते हो, कोई भी गुड़ चलेगा, ठीक है ना। तो आप पूछोगे पीला गुड़ है, वाइट वाला भी आता है, थोड़ा सा वाइट होता है। तो जितना रिफाइन होता है उस हिसाब से गुड़ की क्वालिटी आती, मतलब गुड़ आते हैं। तो ये हमें ऐसे ही मिला है, तो मैं तोड़ती हूँ पहले। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इतना लिया है, इतना बच गया है हमारा गुड़। तो ये 2 टेबल स्पून जितना होगा, देख सकते हो कितना है हाथों में। तुम्हें ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब इतना थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो चल भी जाएगा इसमें ऐसा। और नेल मेहंदी में मेन इंग्रेडिएंट्स है चाय की पत्ती, क्योंकि चाय की पत्ती से ही कलर आता है। तो हम इतना गुड़ लेंगे, इसको थोड़ा सा और बारीक कर दूं मैं, ताकि एक साइड में ये ना हो। इसलिए मैं इस वीडियो में कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली आपको बताऊँगी। आप वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, स्किप कर करके देख लेना अगर आपको बोर हो रही है तो, या फिर फास्ट करके देख लेना। लेकिन आप जिन लोगों के नेल मेहंदी जल जाती है ना, उन्होंने पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है ना। टूट जा भाई, मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है अभी, इतनी कमजोरी आई है। मैं इतने दिन से फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। अब जाके मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हो इतना गुड़ है, इससे थोड़ा कम भी होगा तो भी चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, देख सकते हो है ना। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और कुछ नहीं है हाथों की मदद से। गुड़ थोड़ा और बारीक हो जाता तो अच्छा होता, खैर कोई बात नहीं। देख सकते हो ये इतना मिक्सचर इसका बन के तैयार हुआ है। संभाल के बनाना, मम्मी को पूछिए बनाना, बर्तन ख़राब मत कर देना। चलिए तो बनाते हैं हमारी नेल मेहंदी। देख सकते हो इतना ही मिक्सचर लगेगा और कुछ नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेंगे एक पुराना सा देगचा, इसी में अक्सर मैं बनाती हूँ नेल मेहंदी, देख सकते हो। इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो रखी है, जितना साफ़ होता है साफ कर लेती हूँ, बाकी खैर रह ही जाता है। तो यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी कटोरी, यही कटोरी को आपने देखा होगा, कटोरी वाटी जो भी कहो आप, मेरी लास्ट वाली वीडियो में मतलब। तो इसको धोल के मैं साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमने रखनी है यहाँ पर बीच में, ठीक है ना। आपने ऐसा डेगचा लेना लेना है जिसका बॉटम थोड़ा हैवी हो, ताकि आपका जो मेहंदी है वो जल ना जाए, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप, कोई डब्बा पुराना डब्बा हो वो भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे पुराना डेगचा होगा ना, मम्मी को बोल देना दे एक डेगचा, तो नया नहीं लेना है, पुराना ही लेना है अपने। नया हो तो अगर आपको बाद में यूज़ नहीं करना है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देख सकते हो ये है, ऐसे है। अभी तक हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। सबसे पहले ये मिक्सचर, ठीक है, ये मिक्सचर आधा, आप चाहे तो एक साथ पूरा भी डाल सकते हो, आधा डाल देना है इसमें, ठीक है। डाल दिया, देख सकते हो इसको अच्छे से फैला के, अच्छे से फैला लेना है साइड में, देख सकते हो मैंने ऐसे फैला दिया इसको। बीच में कुछ नहीं है, वो काला काला है देखचा, ठीक है। आपने बीच में ना फ्रेंड्स कोई भी आपके पास है पत्थर वगैरह जो भी हो आप वो रख सकते हो, इसीलिए क्योंकि डायरेक्टली हम नीचे कटोरी रखेंगे ना, तो कटोरी है ना, मतलब नीचे कटोरी रखोगे ना, ये वाटी कटोरी आप जो भी कहते हो, तो नीचे रखते हो ना तो नीचे आग जलती रहती है, मतलब गैस फ्लेम ऑन रहता है, तो ये ना अर्क बनते जाता है और नीचे से ये कटोरी में जल जाता है, जैसे अट जाता है ना वैसा हो जाता है। इसलिए हमने कुछ तो नीचे रखना है और उसके बाद में उसके ऊपर ये रखना है। आप कुछ भी रख सकते हो, पत्थर वगैरह भी रख सकते हो। तो ये हो गई हमारी कटोरी इसके ऊपर, ठीक है। अब तक गैस की फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है, ठीक है। डिटेल वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप हमेशा आके बोलते हो जल जाता है जल जाता है, तो आप ऐसे ही देख लो।
मेरी बातें ही सुन लो, बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब ठीक है ना, आपको बताना है तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो अब इसके पर रखना है हमने ऐसा देखचा जिससे इसकी भाप उड़ेगी ना, तो वो भाप बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये ही लिया है, पुराना वाला देखचा हमारा। तो आपने जो इसका बॉटम होता है ना फ्रेंड्स, ये है ना पूरा ऐसे सपाट, क्या कहते हैं, फ्लैट नहीं होना चाहिए, सपाट फ्लैट नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे गोल होना चाहिए, ताकि इसके पर हम जब इस पर रखेंगे तो देख सकते हो ये जो जो हमारी हांडी है, तो ये जब नीचे से फ्रेंड्स देखो, यहाँ से देखिए, ये नीचे से गोल होगा ना, तो यहाँ पर से जो अर्क बनेगा ना, तो ये बराबर से ऐसे, क्योंकि जो धुआं होता है ना फ्रेंड्स, जिसमें से धुआं उठता है वही भाप बन के ऐसे जमता है और अर्क बन के बीच में से टपकता है थोड़ा 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 करके, मतलब होता है जब जाके। अगर आप पूरा प्लेन रखोगे ना, तो प्लेन से ना ये पूरा प्लेन रहेगा ना, तो ये पूरा फैल जाता है अर्क, तो साइड साइड में गिर के जल जाता है। यही वजह होती है कि आप सोचते हो कि मतलब हमारा अर्क क्यों नहीं बना, क्यों नहीं आया वाटी में। तो ये ऐसी ना अपने ऐसी गोल वाली जो रहती है ना डेगची, वो लेनी है ऊपर जो रखने के लिए, ठीक है। आप समझ में आ गए आपको, और ऐसी लेना है कि जिससे भाप जो है बाहर ना जाए, ठीक है। इसके ऊपर रख दिया हमने, अब डालना है हमने इसके ऊपर पानी, ठीक है। पानी इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि ये देगचा ज़्यादा गर्म ना हो और भाप जो बने वो अंदर, वो जो कटोरी में उसी में, जैसा दम लगाते हैं हम किसी भी चीज़ को, सब्जी वगैरह में होती है जिसमें हमने पानी ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ ऊपर दम के लिए, ताकि हमारी सब्ज़ी नीचे से नहीं जले, पानी रखते हैं ना ऊपर, इसलिए इसमें भी पानी रखना ज़रूरी होता है। तो अब मैं कर रही हूँ गैस की फ्लेम को ऑन, तो यहाँ पर मैंने पहले स्लो कर दिया ताकि आपको मैं यहाँ से बता सकूँ, ठीक है, कि मैंने कैसे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे को बंद करते तो मैंने कैमरे को नहीं उठाया फ्रेंड्स, क्योंकि सेटिंग चेंज हो जाती है ना, तो फिर सेटिंग करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप यहाँ ही से देख लीजिएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर से ना जो भाप होती है ना वो बाहर जानी नहीं चाहिए। मैंने अभी गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स। तो अब मैं थोड़ा सा, पहले हम 2 मिनट थोड़ी गैस की फ्लेम को मीट कर देंगे, ठीक है। देख सकते हो आप कितनी रखा है मैंने, इतनी रख देंगे, और देख सकते हो यहाँ पर से भाप जा रही है बाहर, बिल्कुल नहीं ना, अब तक तो भाप आ भी नहीं रही है, देख सकते हो आप यहाँ पर से, है ना, अब भाप आना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है फिर से, क्योंकि आपको बताते बताते ही थोड़ी सी भाप बाहर आने लग गई थी, क्योंकि हाई फ्लेम था और ये देखचा बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मैं मिट कर रही हूँ, ठीक है। तो हम इसको 2 मिनट पहले ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद में मैं आपको आवाज़ सुनाऊँगी, जो टिप टिप गिरता है ना, मतलब जो अर्क गिरता है ना, उसकी आवाज़ सुनाऊँगी, सुन लेना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी यहाँ से भाप बाहर जा रही है, क्योंकि एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है ना, जैसे अभी कैप होता है तो उतना परफेक्ट तो नहीं होता है ना, मतलब ढक्कन उतना पैक नहीं होता। आप चाहे तो वो आटा वगैरह लगाते ना बिरयानी को दम देते ना, वैसे भी कर सकते हो। तो अर्क बनना हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी गैस की फ्लेम को और हाई कर दूँगी, क्योंकि डेगचा जो हमारा है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा पतला है, इसलिए मैंने लो रखा है। देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी भाप बाहर आ रही है। आप ये बनाओगे ना थोड़ी सी स्मेल आएंगी, जैसा अर्क की स्मेल आती है ना वैसी आएंगी। थोड़ा सा मैं विंडो ओपन करूँगी ना, गाड़ियों की आवाज़ आएंगी, तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि लेकिन ये थोड़ी सी धुआं बाहर जाएगा ना। अर्क बनना स्टार्ट हो गया हमारा, उसकी खुशबू आ रही है। देख सकते हो फ्रेंड्स टिप टिप आवाज आ रही है। विंडो को बंद कर देती हूँ, फिर आएंगी आपको आवाज। देखा, देखिए अर्क गिर रहा है हमारा, मतलब उसमें देखिए, देखिए अब
बहुत फास्ट फास्ट गिर रहा है इसीलिए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को स्लो करती हूँ पहले, तो इसको उठाकर देखते हैं ठीक है कि हमारा अर्क बना, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं रख सकते क्योंकि बनते जाएगा और जलते जाएगा वो, इसीलिए ठीक है इसको उठाकर देखते हैं। माशाल्लाह या अल्लाह मैं क्या कहूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो इसको एकदम तरीके से उठाना, ये गिर जाएगा तो फिर समझो आपकी मेहनत बर्बाद। देखो आप ये, पहले मैं इसको उठा के निकाल देती हूँ आपको। देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे बचा हुआ है, तो हम इसको और फिर से रखते हैं और ये बचा हुआ मिक्सचर है ना वो भी डाल देते साथ में। जल्दी जल्दी करना ही है मतलब, और हाथ संभाल के करना वरना ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जैसे हम बेकिंग करते हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना वो, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो रख देते इसको फिर से इसके ऊपर, बिस्मिल्लाह। तरीके से बनाओगे ना फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये है ना पतला होना चाहिए, कलर डार्क हो तो वो चल जाएगा, लेकिन ये जो अर्क होता है ना ये पतला होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, ये ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, जो डार्क होता है ना जैसे एकदम क्या कह सकते ग्रीस जैसा, वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे अर्क बोले तो ऐसे पतला ही होना चाहिए ठीक है ना। देख सकते हो, चलिए इसको रखते हैं और 5 मिनट तक, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है मेरी बातों से, आप फ्रेंड्स इरेटेड नहीं होना, ताकि मतलब जब कुछ चीज़ बनाते हैं और जो सही सही दिखाते हैं ना फ्रेंड्स तो उतनी ही खुशी होती है सच में। अगर हम मतलब गलत चीज़ बताएंगे तो जाहिर सी बात है ना हमें ऐसा लगेगा क्या है, जब जब मतलब सही और सही चीज़ हम शेयर करते हैं ना तो फिर अल्लाह भी उस चीज़ में साथ देते हैं हमारा, क्योंकि जो सच है वो सच है ना। तो इसको और 5 मिनट तक रखते हैं हम, मीडियम से लो फ्लेम ऐसे करती रहूँगी मैं, तो फिर इसके बाद में 5 मिनट के बाद में मिलते हैं आप है ना। मैंने आपको फ्रेंड्स 5 मिनट कहा ठीक है ना, लेकिन आप 5 मिनट ही मत रखना, मतलब आपका डेगचा अगर थोड़ा सा ये मोटा है ना तो आप लो हाई फ्लेम करके 2 से 3 मिनट में भी हो जाएगा, ये पतला डेगचा है ना तो मैंने लो फ्लेम रखा है ताकि ये जल ना जाए इसीलिए। चलिए 5 मिनट के बाद में मिलते। तो फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं इस अर्क को क्या हाल है इसके। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ठीक है, वाह इसमें भी और है, ये साइड में टपक जाएगा नहीं तो। तिरछी में लगा होता है ये, टपक ही रहा है इसमें, गिर जा भाई गिर गिर। चलो कोई बात नहीं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी अब की बार जो निकला है यार वो थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा मतलब कड़क है, कड़क चाय जैसा होता है ना वैसा है, अभी और बनेगा इसमें देख सकते हो जो है ना जल रहा है ना लिक्विड जैसा है ना, तो और थोड़ा बनेगा इसमें। तो हम थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और फिर रखते हैं इसको, देखो अब की बार तो कितना ज़्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा मतलब क्या कहूँ मैं इसको, है पतला लेकिन डार्क है, देख सकते हो डार्क है। अच्छा मैंने अभी सही वर्ड बोला है, डार्क है, अभी इसे डार्क होना चाहिए। चलो गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं, अभी आपके सामने ही रखती हूँ मैं, कैमरे को बंद नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है ना तो इसीलिए थोड़ी सी विंडो को ओपन कर देते हैं। तो ये अर्क है ना फ्रेंड्स ऐसे ही बनना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जो चिकट चिकट होता है ना वैसे नहीं होना चाहिए, पानी जैसा ही होना चाहिए लेकिन डार्क कलर होना चाहिए। देख सकते हो कितना हिल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा है इसमें, और 4-5 हाथ लग जाएंगे सिर्फ हाथ लगाने हो तो। पानी में मैंने उसका टुकड़ा डाल दिया, पानी का कलर चेंज हुआ, अल्लाह हो जा जल्दी हो जा।
देख सकते हो कितना धुआं निकल रहा है अभी तो। ये जो धुआं उठ रहा है ना फ्रेंड्स, अगर पूरा बाहर जाएगा ना तो फिर आपका आर्क नहीं बनेगा। हाँ, थोड़ा बहुत निकलता है तो चल भी जाएगा, थोड़ा धुआं ना बंद हो जाए तो हम निकाल कर देखते हैं क्या हाल है इसके। चलिए देखते, नहीं तो इतना भी जल जाएगा, इसको ही उठा लेते पहले, जितना बना है वो भी जल जाएगा। संभाल के है इस वक्त, संभाल के करना। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ऐसे होता है ना, ये जल जाता है, दिख रहा है ना। फिर से रखते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी है उसमें। देख सकते हो बहुत ज्यादा हो गया माशाल्लाह से। चलिए देखते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो खाक हो चुका है जल के। देख सकते हो फ्रेंड्स, जितना निकला होगा ना वो भी जल गया होगा। इस पे डायरेक्टली नहीं रख सकते, यहाँ पर देखा आपने, ये पूरा खाक हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ, चलो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब अगर पूरा अर्क बन के हो जाता है तो उसकी क्या निशानी है। इसमें थोड़ा बहुत है अभी, क्योंकि देखो ये धुआं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर से गीला है, थोड़ा बहुत है देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका पूरा अर्क बन गया है ना तो इसकी ये निशानी ये ना पूरा, ये देख सकते हो ऐसी आवाज़ आ रही है आपको, ये पूरा ऐसा ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा पूरा। अपने नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज्यादा गर्म है। ये देख सकते हैं ऐसी आवाज आनी चाहिए, ये जो है पूरा जल के खाक होना मांगता है। यहाँ पर ये जो साइड में ना, ये गीला गीला नहीं होना चाहिए, ये ना ऐसे ऐसे पूरा जलना मांगता है। ये ऐसे ना हाथ से जब आप ऐसा करोगे ना तो ये ऐसे पूरा ये होना चाहिए, ये जो ऐसे ना, ये ऐसे पूरा गर्म है लेकिन ये ऐसे चुरा चुरा होना चाहिए, जब जाके आपका अर्क सही मायने में निकलेगा। ये जो है ना, ये गीला गीला नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा ऐसी कड़क होके जल के खाक होना चाहिए। ये अंदर वाला हिस्सा है ना, देख सकते हो ऐसे निकलना चाहिए, देखा आपने। तो आप कहते हो ना कि डीगचा कैसे साफ होगा, डीगचा जल जाता है लेकिन नहीं, ऐसे निकल जाता है, देखो इसी तो मैं साफ करती हूँ, देखा आपने। ऐसे होता है, इसको साफ कैसे करूँगी मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये ऐसे पूरा देख सकते हो जल के पूरा खाक हुआ, ये ना ऐसे गीला गीला नहीं होना चाहिए, जैसा चिकट चिकट होता है ना वैसे नहीं होना चाहिए अर्थ में, ठीक है। इसको रखते हैं अब हम साइड में। ये है हमारा अर्थ, देख सकते हो कितना ज़्यादा निकला है, ये कम नहीं है फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि है कितना सा है, ये देख सकते हो यहाँ से ऐसे, लेकिन ये कम नहीं है, बहुत सादा है, डार्क है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है मतलब अभी हो रही है दोपहर, ठीक है ना, दोपहर हो रही है। तो अभी मैं इसमें फ़िलहाल इसका चाहे तो मैं कोन बना के रख सकती हूँ, लेकिन दोपहर हो रही है, नमाज़ का टाइम भी हो रहा है और खाना खाने का भी टाइम हो रहा है, तो लेट हो जाएगा मुझे, इसीलिए शाम को मैं इसको आपका कोन शाम को इसका मैं आपको कोन बना के बताऊँगी, ताकि फिर लगा सकते, हाथों हाथ लगा कर भी बताऊँगी आपको। तो मिलते हैं शाम को, ठीक है, शाम को बनाएंगे कौन, क्योंकि अभी कौन बनाने बिल्कुल टाइम नहीं, वीडियो शूट होने के बाद में। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे सारे काम अटक गए, निपट गए, रात का वक्त है, तो चलिए हम लगाते हैं नेल को मेहंदी। ये असल में कल ही बना के रखा था, तो उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो देख सकते हो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, गाढ़ा मीन्स थोड़ा सा डार्क दिख रहा है ना हमारा अर्क, है ना। तो चलिए बनाते हैं अभी इसको, बनाना क्या है इसमें, आप ऐसे भी लगा सकते हो डायरेक्टली, मतलब मैदा मिक्स करके या कोई भी आटा मिक्स करके भी लगा सकते हो, मतलब हाँ, लेकिन हम इसका कोन बनाकर लगाएंगे ताकि हाथों में ना फैले और साइड में ना लगे। देख सकते हो ये है मैदा, तो अगर आपके पास अभी फ़िलहाल मैदा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, लेकिन गेहूं के आटे से मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी सूख जाता है, और मैदा काफ़ी टाइम तक ऐसा नाखून पे हमारे जो चिपका हुआ रहता है तो बहुत अच्छा होता है। तो अब मैंने तो डायरेक्ट पैकेट से डाल दिया, आप थोड़ा सा मतलब चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वरना एक साथ डाल दूँगी या फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर आपका अर्क कम पड़ेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा सूखा होगा।
सही से मतलब ना नेल मेहंदी नाखून पे बैठेंगी नहीं और कलर भी ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये भी एक बात होती है, अगर आप आटा ज़्यादा मिक्स कर दोगे ना और सूखी सूखी मेहंदी होंगी ना तो नाखून पे अच्छा कलर नहीं चढ़ेगा। थोड़ा सा मतलब मेहंदी में गीलापन होना चाहिए ना, ताकि उसका अर्क पूरी रात तक हमारे नाखून पर रहे। मतलब देख सकते हो, मैंने जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ और आपको बताती हूँ, तो सुबह तक वो नाखून की मेहंदी जो है ना वो नाखून पे चिपकी हुई रहती है। तो देखो, आप यहाँ पर डायरेक्ट चम्मच की मदद से भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो यहाँ पर लेंगे हम कोई भी ऐसी पॉलीथीन ये कोई भी ऐसी कैरी बैग वगैरह होती है ना, वो ले सकते हो। लास्ट वाली वीडियो में तो मैंने मिल्क का जो पैकेट होता है उससे ही बनाया था, मतलब इसके पहले जो वीडियो जिस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया था मुझे। तो यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल ये मिली, आप इसी से मतलब किसी भी चीज़ से बना सकते हो, या फिर आप फिंगर मदद से भी लगा सकते हो। लेकिन ये अर्क है ना, बहुत डार्क कलर आ जाता है हाथों में, तो फिर हाथों को कलर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली इसका जैसा कोन, DIY वाला कोन, ऐसा प्रॉपर कोन जैसा कोन नहीं बना रही, लेकिन ये जो मेहंदी आपको दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये कम से कम 5-6 हाथों को लगेंगी, इतना बड़ा कोन बना था इसका। बाद में मैंने जब प्रॉपर कोन बनाया था ना, जैसा भी ये कोन मेहंदी का कोन होता है वैसे, मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए और पूरी प्रॉपर वीडियो शेयर की है। आप ज़रूर मतलब पूरी वीडियो देखना मैंने कैसे बनाया है, उसी तरीके से बनाना, आपका नेल अर्क अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब हम काफ़ी टाइम से बना रहे हैं इसको, ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बना लिया, बहुत टाइम से बना रहे। अच्छा मतलब इसीलिए बनाते थे, मतलब छोटे बच्चों के भी हाथों को लगाते थे, क्योंकि उनको मेहंदी नहीं लगा सकते ना, बच्चों को कैसे मेहंदी लगाते तो सर्दी हो जाती है। तो यह जो अर्क होता है आप बच्चों के हाथों में भी लगा सकते हो, ताकि मतलब जब ठंड का मौसम हो तो उनको सर्दी ना हो, और हाथ भी, और बच्चे मेहंदी लगा कर रखते भी नहीं है, यहाँ वहाँ सब गंदा संदा, मतलब गंदा संदा सब हाथ यहाँ वहाँ लगा लेते। तो ये अर्क लगाऊंगी ना, इसमें एक घंटे भर में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो थोड़ा ज़्यादा सा ही कट गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए मैंने मतलब यहाँ पर कैमरे का रुख भी चेंज ही हो गया था, जैसे तैसे मैंने लगा लिया। देख सकते हो कितनी ताज़ी और कितनी अच्छी मेहंदी है ना, कलर भी उतना ही अच्छा आएगा। इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि आपने ज़्यादा आटा मिक्स नहीं करना है उसमें, अगर आप ज़्यादा आटा मिक्स कर दोगे ना तो फिर सूखा सूखा हो जाएगा, तो फिर कलर इतना अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि अर्क होना ज़रूरी है उसके अंदर। अर्क थोड़ा सा ज़्यादा गीला होगा तो बहुत टाइम तक हमारे नाखून पर अर्क रहेगा, तो बहुत अच्छा कलर आएगा। इसीलिए एक बार में ही अच्छा कलर आएगा, आपको 2 से 3 टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सही तरीके से बनाओ, एक बार में ही बहुत अच्छा कलर आएगा। हमारे यहाँ पर है ना, जब भी किसी की भी शादी होती थी, हर कोई मतलब जो भी लड़की मतलब मेरे फ्रेंड्स में हो या सबको मैं ही नेल मेहंदी बना कर देती थी। अगर कोई देख रहे होंगे वीडियो तो यार कमेंट करके बताना इन लोगों को, मैं सबको मेहंदी बना कर देती थी, और शादी के बाद में भी, मतलब लगाने के बाद में भी लोग कहते थे यार हमको फिर से बना कर दे, यहाँ पर देख ख़राब होते थे मेरी मम्मी मेरे को। अल्लाह क्या ही कहे, खैर छोड़ो, मुझे जज मत करना मेरी बातों को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हो, रात को सीधे लेफ्ट हाथ में ही लगाया मैंने, लेफ्ट हैंड में ही लगाया, सीधे हाथ में नहीं लगाया। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी सुबह। अब कहूँगी वहाँ पर मैंने ब्लू स्वेटर पहना था, अभी रेड ब्लैक वो स्वेटर में, बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम था उस टाइम पर, और मेरा ऑपरेशन हो रखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने देख सकते हो मैंने उस टाइम पे भी नेल मेहंदी बनाया, हो गया था 15-20 दिन हो चुका था। तो अब मैं इस वीडियो में क्या ही कह रही हूँ, इसीलिए मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ। आप वीडियो देख के बस खाली वीडियो समझ जाइएगा, देख सकते हो कलर देखे आप, तो मेरी बातों को जज मत करना प्लीज़। आप वीडियो देखने आए हो, वीडियो ही देख के चले जाना, ठीक है ना, मतलब आप जज करोगे ना, इसीलिए मैं पहले ही आपको कह रही हूँ कि रात में मैंने वो ब्लू स्वेटर पहना था, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तबीयत ठीक ना होने की वजह से, तो मैंने ब्लैक वाला, ये थोड़ा मोटा है तो मैंने ये पहन लिया, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ, सुबह की ही मतलब एक क्लिप है, सुबह मतलब वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि मतलब वक्त नहीं मिला था मुझे, मतलब डायरेक्टली मतलब वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी, सिर्फ कैमरा सेट कर दिया और बना लिया है ना। देखो कितना अच्छा प्यारा कलर आया, आप सही तरीके से बनाओ, बहुत अच्छे से बन जाएंगी आपकी नेल मेहंदी, कोई फेक नहीं है सच में। आप कितने सारे कमेंट जाकर देखो, उन लोगों ने कहा है बकायदा कि हमने बनाया और बहुत अच्छा कलर आया,
सही तरीके से बना, 2 से 3 महीने तक आपके नाखून रंगे हुए ही रहते हैं। आपने मेरी कितनी वीडियो में देखा होगा, मेरा कुकिंग वाली वीडियो में अभी आप जाकर देखिए, मेरे हाथ ऐसे मतलब नेल्स ऐसे रंगे हुए रहते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।